मीन्स पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है विद टू टेक नॉलेज में। तो गाइस आज हम देखने वर्ड हेलो वर्ड कि फ्लटर में हेलो वर्ड का प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं हेलो वर्ड। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो इसके फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम सेटअप एंड फर्स्ट बिल्ड कैसे कर सकते हैं एप्लीकेशन, वो हमने देखा था सिंपल सा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हेलो वर्ड का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने जो ये डिफॉल्ट हमें मिलता है यहाँ पे एक क्लास जो एक होम डेट फुल जो एक होम पेज बना, तो उसको हम अभी कर देंगे। एक हम स्टेटलेस विजिट बनाएंगे स्टेटलेस क्लास बनाएंगे, सिंपल सा हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। यहाँ पे हम देते हैं होम, ये हम पेज को कॉल करा रहे हैं होम विजिट में। यहाँ पे हम एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे होम। उसके बाद यहाँ देंगे स्कैफोल्ड। लेने से क्या होता है, हमारे जो बीच नहीं रखते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं रखते हैं, खाली स्कैफोल्ड हटा देते हैं। जो कंटेनर है उसके अंदर चाइल्ड ला देते हैं, उसके बाद टेक्स्ट ला देंगे। टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं हेलो, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे एंड देन रन करके देखते हैं कि अभी इसका जो प्रोग्राम है अभी कैसा दिखता है। हमें यहाँ पे ये रन हो रहा है, इसमें हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगी। ये डायरेक्ट ऊपर आके हेलो वर्ड प्रिंट तो होगा बट हमें वो शो नहीं करेगा अच्छे से, थोड़ा सा वक्त लेता है जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब। ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हमारे ब्राउज़र में, ठीक है अभी फिलहाल के लिए। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड इसने शो कर दिया, तो इसमें भी कोई ना तो कोई एप्लीकेशन दिख रही है ना ही कुछ, सिंपल सा हमें हेलो वर्ड दिख रहा है। इस तरीके से हम प्रिंट तो करा सकते हैं बट तो हमें क्या चाहिए, पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो हो कि वहाँ पे एक ऐप बार हो हमारे पास, मतलब कि यहाँ पे नेविगेशन हो, बीच में सेंटर में हमें हेलो वर्ड लाना है, तो हम इस तरीके से ला सकते हैं। तो हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे लेंगे स्कैफोल्ड ला दिया हमने यहाँ पे। देन यहाँ पे ऐप बार क्या हमें डिफॉल्ट एक नेविगेशन बार प्रोवाइड करता है। देखिए ऐप बार, सिंपल से ऐप बार अगर हम ला देते हैं देन हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ये देखिए सिंपल सा यहाँ पे हमें ये प्रोवाइड करता है। बट इसके अंदर हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टाइटल हम ले लेंगे, टाइटल के अंदर एक टेक्स्ट लिख देंगे, लिखेंगे फर्स्ट ऐप माय फर्स्ट ऐप, सेव करेंगे देन वन बाय वन देखेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे आ गया। अगर हमें इसे टाइटल सेंटर करना है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, सेंटर टाइटल ट्रू, ये ट्रू हो गया तो अभी ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए तो इस तरीके से हम सेंटर में ला सकते हैं। देन हमें यहाँ पे होम सॉरी बॉडी आता है, हम अगर मटेरियल स्टेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होम मटेरियल ऐप यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्कैफोल्ड यूज बॉडी के अंदर हम एक सेंटर नाम की विजिट लेंगे, उसके अंदर चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट ले लेंगे हम और उसमें लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसे सेव करना है सिंपल सा देना देखेंगे अब। ये हमारा यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब हमें इसमें अगर स्टाइल देना है तो भी हम दे सकते हैं, तो स्टाइल ले दिया, उसके अंदर एक विजिट आता है टेक्स्ट स्टाइल, तो टेक्स्ट स्टाइल हमें ले लेना है और उसके अंदर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो भी हम उसमें कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 20 का रखा है अभी, तो 20 भी हम रख सकते हैं।
इसमें जो भी चेंजेस करना है हम इस तरीके से कर सकते हैं। फ्लटर में जो भी है वो एक विजिट है, विजिट के ऊपर ये सारा का सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जो भी हमें एप्लीकेशन बनाना है वो विजिट से ही हम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई होप आपको हेलो वर्ड एक सिंपल सा आपने फर्स्ट अपना एप्लीकेशन बना लिया है हेलो वर्ड का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।